छोले का सीन हो जाएगा। अरे ये क्या किया तुमने, उनको चोट लग जाती ठीक है, लेकिन ये क्या तोड़ दिया तुमने? मम्मी जी आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसा करते हुए? इस उम्र में ही तो गिरेगा ना। कंट्रोल कंट्रोल दादी कंट्रोल। बिट्टू कंट्रोल। मम्मी जी बिट्टू तो यहाँ है पर बिट्टू में अब इंटरेस्ट किसे है? हाय रब्बा। तमीज में वो पिछड़ा हुआ आपसे। सच कह रही तू, जब जीता रहे जब हम दोनों जैसे हॉट ब्यूटीफुल और मल्टी टैलेंटेड लड़कियां यहाँ होगी तो बिट्टू पे कौन नजर डालेगा? है ना सर बेटा? मल्टी टैलेंटेड के मल्टी रिंकल बुढ़िया। चुप कर, तेरे चक्कर में गलती से सैफ बेटा निकल गया। सैफ मम्मी अपने होठ जरा अंतर रखिए, आप तो कब से जवान हो चुकी हैं, मैं तो सैफ को देखकर अभी अभी जवान हुई हूँ। सिद्धू जी ऑडियंस ध्यान से देखिए इस जोड़ी को, ये है नवाब और मैं हूँ शबाब। इधर है शराब। पटियाला पैग। हड्डी में कबाब। कबाब में हड्डी होती है। मेरे को जो राइम में ठीक लगा मैंने बोल दिया। चुप कर बिट्टू चुप कर। इतने हॉट सेक्सी ग्लैमरस ओ माय गॉड की कसम आपको कहीं मेरी गंदी नजर ना लग जाए। मैं आपको काला टीका लगा देती हूँ। वैसे मुझे लगता है नजर लग गई है। सैफू ये क्या है? क्या करीना ठीक से ख्याल नहीं रखती तेरा? हाय हाय मेरी सौत। सच में एक फिल्म देखी थी उसमें तेरे पेट के हड्डियां बाहर निकले थे, दिखाइए। दादी पेट की हड्डी नहीं एब्स होते हैं पागल कहीं की। तू चुप कर, तुझे क्या पता इसमें कहाँ ऐब है, ये तो बड़ा शरीफ बेटा है। हाँ जी। सुनिए नवाब जी, जब हमारी शादी होगी तो दहेज में मैं आपको ट्रैक्टर दूंगी। फिर हम ट्रैक्टर में ऐसे ऐसे करके घुमा करेंगे। और भी एक बात है, मुझे ना करीना कपूर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बुआ करीना को तो तेरे से होगी ना। और बिट्टू करीना को मुझसे कैसे प्रॉब्लम होगी, मैं थोड़ा सा डार्क मेकअप कर लूंगी, उससे थोड़ी कम सुंदर लगूंगी और उसके साथ ना मैं हमेशा छोटी बहन बन के रहूंगी। सुनिए नहीं, करीना को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे करीना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी शादी कर लेते हैं। आपको करीना से प्रॉब्लम नहीं है, अब करीना को आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी ने नहीं पूछा। बुआ जी जी माओ को बता दें। अरे ऑडियंस आपने ना पूछा नहीं, ये ना सैफ अली खान साहब हैं और लो जी बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। दिल चाहता मैं इन्होंने अमीर खान की ऐसी की तैसी कर दी। ये कैसा एक्टर है तो बच्चे लेकर घूमता है। प्लीज बुआ छोड़, दादी तमाचा छोड़ दीजिए। ए बुआ दादी क्या दिमाग खराब कर रखा तुम लोगों ने? सुनिए कर लीजिए शादी वरना गोली मार दूंगी मैं आपको। करेंगे कि नहीं बिट्टू? इसमें तो गोली नहीं है, पटाखा चलाने वाली बंदूक लेकर आ गए। बुआ दादी अभी तुम लोगों का बहुत होगा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम लोग इंटरव्यू चल रहा है बीच में आ गए तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम जाते बेटे। चल मम्मी। नवाब बेटे। बेटा नवाब। नवाब बेटे जाते जाते रसम मत तोड़, शगुन की पप्पी ले ले। मम्मी पास भी करो, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। खुश रहे नवाब साहब, हलो फुलो खुश रहो और इसी तरह हमारे शो में आते रहो। बहुत शुक्रिया आप। पप्पियां देते रहो। चिड़िया मैं जा रही हूँ लेकिन वेट कर रही हूँ पीछे आपकी है। जल्दी चल, अगर इरादा बदल जाए तो आ जाना। इधर का खाली रह गया। आपके पास असली वाला पिस्टल नहीं था, काश आपके पास असली होता और आप गोली चला देते। नहीं नहीं नहीं
मजा आ जाता। बिल्कुल। एनीवेज मैं भी ध्यान रखूंगा, कोई आए ना मैं उसको अपने पास रखता हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं नकली है। अरे आ आ आ दुलारे, आ आ ये देखो, ये देखो। अबे किसको पकड़ के लिए आया तू? अरे आप देखिए तो सही। देख ही रहा हूँ। ये देखिए, ये है सड़क और वो है हमारा घर। हाँ। और सड़क और घर के बीच में एक बहुत ही बेकार फैमिली रहती है, शर्मा फैमिली। कपिल तुझे गालियां दे रहा है? अबे वो वाटर टैंकर। शर्मा जी तो यही है। बेकार किसको बोल रहा है? आपको बो ए, ए, पहले तो तू अकेला था, ये किसको ले? ये ब्लड बैंक से एक पैकेट खून का पी गई, कौन है ये? अरे बताते हो, बताते हो, पहले सैफ अली खान से तुम मिल ले। देखिए सैफ जी, जी हम आपके तब से फैन है, तब से फैन है जब से आप फिल्में कर रहे हैं। तब से। अब आपको क्या बताएं, हम हमारे फ्रेंड को भी लेकर आए हैं यहाँ पर साथ में। ये दुलारी है, दुलारी दुलारी हम ना कहते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं हमारे मोहल्ले में। ये देखिए सैफ अली खान, हेलो कीजिए, हेलो कीजिए। नमस्ते सैफ जी। जी हम आपके बड़े फैन रहे हैं, हम करीना जी का भी फैन रहे हैं। अरे जब वो साइज जीरो हुई थी तो हमने भी अपना साइज ऐसा जीरो बना लिया था। हम आपको एक सच बात बताए, कहा है कि हमको भी प्यार हो गया है। प्यार हो गया है। प्यार नहीं हुआ तेरे को, गैस हुई होगी। कहा गाती है? कहा गाती है? क्या? अरे आपको अभी पता चल जाएगा, दुलारी जरा गा के सुनाओ ना। कहीं दीप शीप चले कहीं। कहा गाती है? कंपाल का गाती है? नहीं है? हाँ, ऐसा कभी किसी ने गाया नहीं। नहीं। एक मिनट, एक और हम इनका टैलेंट दिखाते हैं आपको। क्या टैलेंट है? देखो सड़क पे ना कभी भी कोई रास्ता पूछे इनसे, हाँ, तो ये बिना हाथ हिलाए बिना कुछ बोले रास्ता बता देती हैं। क्या बात कर रहे हैं? दिखाएं आपको। हाँ? कोई इनसे पूछे कि भाई वो घंटी वाला मंदिर किधर है? हाँ, तो ये घंटी वाला मंदिर किधर है? सीधे जाइए, फिर लेफ्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। देखिए घंटी वाला मंदिर आ गया। हमारे गांव में हम भी राजा है। अरे कोई हमसे सामने आके हेलो भी कहता है ना तो ए ठाका तमाचा देता। हमने इतना तमाचा दिया है लोगों के कि प्यार से लोग हमें वहां पर अब तमाचे पर डिस्को कहने लगे हैं। लेकिन हमें पता चला है कि हमारा ये नाम आपने अपनी फिल्म में कॉपी कर लिया है, तमाचे पर डिस्को। तमंचे, हमने तमंचे बोला है। डिफरेंट। हाँ जी जी। वो ट्विस्ट दिया है आपने। और तो और मैं बता रही हूँ, इन्होंने मुझे भी कॉपी कर लिया है। जब से मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी बॉयफ्रेंड मुझे टच नहीं करेगा शादी शुदी से पहले, इन्होंने गाना बुला लिया, डोंट टच माय बॉडी। अब गाना बन गया तो चला भी दो। हाँ तो चल भी जाएगा और डांस भी हो जाएगा उस पर। टच माय बॉडी। लास्ट एक मेरा क्वेश्चन सैफ, आपने मतलब बिकॉज ये सैफ का पहला टीवी शो है, पारी जब सैफ ने करियर स्टार्ट किया था तो एक रोमांटिक हीरो के तौर पे आए थे, उसके बाद में जब आपने दिल चाहता फिल्म की जी, तो उसमें मतलब आपकी कॉमेडी टाइमिंग के लोग कायल हो गए, उसके बाद में आपने एक्शन फिल्में की, तो कभी ऐसे सोचा था कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका? कैसा लग रहा है सीरियसली? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और मैं अपने आप इतना खुश हूँ कि मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ कि मैं आपने हमें आपके थैंक यू सो मच साहब भाई, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी इसी तरह अपने घरों में बैठ के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, हमें क्या लेना, आप अपने घर में क्या करते हैं। और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।